जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब बाय फैजान। आज हम देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो हमारा यूज होता है टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, बिग प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। क्या है देखते हैं हम यूजिंग सम एग्जाम्पल्स। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फोर बेसिक्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें पढ़ना है रियल नंबर्स के लिए, जिसमें से हम हर एक को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप यूजिंग एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 2, देखिए 2 जो है वो हमारा बेस है और जो पावर हमारा दिया हुआ उसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं, यानी जब बेस मेरा सेम होगा और पावर्स मेरे अलग अलग होंगे या पावर्स कुछ भी होंगे, बेस मेरा अगर सेम होगा तो हमारा जो एक्सपोनेंट्स है जो मेरा पावर होगा वो ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 3 एंड वी गेट द आंसर 2 टू द पावर 5। दिस इज वी सॉल्व, दिस इज व्हाट वी सॉल्वड आउट आल्सो। तो इसको हम अगर फॉर्मूला के रूप में देखना चाहे, आइडेंटिटी के रूप में देखना चाहे, हम कैसे देख सकते हैं 2 इज द बेस, तो समझ लीजिए a इज द बेस, a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n, क्लियर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला होगा a टू द पावर m प्लस n, ये हमारा हुआ एक फॉर्मूला। हमने आपको कहा था फोर बेसिक हमें पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, फोर बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ना है। पहला जो हुआ, अगर बेस मेरा सेम होगा और वो मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, उसका जिसका मेरा एक्सपोनेंट्स अलग अलग होगा, तब हम कुछ नहीं करेंगे पावर को प्लस कर देंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल के रूप में पहले देखते हैं, फिर हम आइडेंटिटी पे आते हैं, यानी फिर हम उस लॉस पे आते हैं एक्सपोनेंट्स का। अब मान लीजिए हमें डिवाइड, अभी हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3, क्लियर। हमने क्या किया, बेस आप देखिए हमारा सेम था, अगर बेस सेम रहेगा और डिवाइड करेंगे अगर हम, तब मेरा जो एक्सपोनेंट्स होगा वो मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये हमारा आसान हो गया। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, बेस अगर सेम है a टू द पावर m एंड इफ यू डिवाइडेड विद अनदर नंबर, दोनों में हमने क्या देखा, बेस सेम है और मेरा एक्सपोनेंट्स यानी पावर अलग अलग है, उस केस में हमारा एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, क्लियर है। तीसरा देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, तीसरा जो है एक हमारा एग्जांपल दिया हुआ, मान लीजिए 2 टू द पावर 3 इनटू 3 टू द पावर 3, इसमें आप देखिए हमारा एक्सपोनेंट सेम है यानी हमारा पावर जो है वो पावर सेम है लेकिन हमारा बेस अलग अलग है। तो इसको हम सॉल्व करने का आसान तरीका है क्या हमारे पास, आप क्या कीजिए, जब आपके पास बेस अलग अलग हो तब आप इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ब्रैकेट में पावर चूंकि एक्सपोनेंट चूंकि आपका सेम है तो आप उसी एक्सपोनेंट्स को लिख दीजिए, यानी वो आपका आंसर हो जाएगा 6 टू द पावर 3, व्हाट वुड बी द आंसर। तो आपके पास तीसरा फॉर्मूला क्या आया, ए टू टू पावर एम इंटू b 2 टू द पावर m, यानी आपका a और b यानी बेस अभी आपका अलग है और पावर आपका सेम है, तब आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा a इंटू b 2 टू द पावर m, ये आपका तीसरा फॉर्मूला होगा, ठीक है। चौथा जो हमारा हमें देखना है फोर्थ नंबर वो हमें देखना है, मान लीजिए अब 2 टू द पावर 2 उसका भी पावर 3, ये है यानी पावर पे भी पावर हमने दिया यानी एक्सपोनेंट्स हमारा दो हो गया। इस केस में हम क्या करते हैं, बेस हमारा एक ही है, दोनों एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी हमारा हो जाएगा 2 का पावर 6। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, a 2 की जगह हमने a लिखा, a इज द बेस, a का पावर मेरा m है, उसका भी पावर मेरा n है, यानी एक्सपोनेंट्स को हमने प्रोडक्ट किया। तब इस तरह के केस में जो हमारा सिंप्लीफाई करने के लिए जो लॉज बना है एक्सपोनेंट्स का वो है a टू द पावर m
इंटू एन। तो ये हमने चार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखा। पहला क्या था आपका, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, यानी बेस हमारा सेम है, कॉमन बेस है और हमारा एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम दोनों के दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। दूसरा हमने क्या देखा, बेस मेरा सेम था और वो डिवाइड किया गया। जब ऐसे केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं और बेस मेरा सेम होता है, जब हम डिवीजन के केस में देखते हैं तब हम बेस को कॉमन रखते हैं और दोनों का दोनों जो मेरा एक्सपोनेंट्स दिया हुआ, दोनों जो पावर दिया हुआ, उन दोनों पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी, दूसरा लॉ हुआ एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए। तीसरा आप देखिए हमारा क्या है, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। तो ऐसे केस में हम क्या किए, हमने दोनों के दोनों बेस को मल्टीप्लाइड किया और पावर चूंकि मेरा सेम था तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया। दिस इज द थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फाइनल और फोर्थ हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमें पढ़ना है वो है ए टू द पावर एम, उसका भी पावर एम, इसका मतलब पावर का भी पावर है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बेस जो है उसको हमने कॉमन लिया, उसके बाद दोनों पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे चारों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है। आप इस एग्जाम्पल से ये चारों आइडेंटिटीज या चारों लॉज को आप समझ सकते हैं, क्लियर है। चलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख लिया, चार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे हमारे, अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई द गिवन प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2 बाय 3 इनटू 2 टू द पावर 1 बाय 5। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए बेस मेरा सेम है तो हमने बेस को लिख दिया, करेक्ट। उसके बाद आप देखिए बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन है तो आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, दोनों का दोनों पावर मेरा एड हो जाएगा, यानी 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 5, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप आगे बढ़ेंगे, इसको लिखा हमने 2 की जगह 2 और हमारा 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा हमारा 3 और 5 का 15 होगा एलसीएम, 3 5 जा 15, तो 2 5 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, तो 1 3 जा 3, तो व्हाट वी गॉट, 2 टू द पावर 13 अपॉन 15 इज द आंसर ऑफ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। दूसरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5 16 टू द पावर 3 बाय 4। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर इसका हमको वैल्यू निकालना है तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन को देखिए तो वी विल गेट कंफ्यूज कि कैसे निकाले, बट अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आपको याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आप देखिए 16 का पावर 3 बाय 4 को हम लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए तो 2 into 2 into 2 into 2, करेक्ट। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इसका पावर 3 बाय 4, या आप यू कहें 2 टू द पावर 4, सही है, 2 का पावर 4, और 3 का पावर 4 की जगह 3 का पावर 4 लिखा, करेक्ट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अब आपको याद है कि अगर मेरा बेस सेम है और दो पावर मेरा दिया हुआ है, दो एक्सपोनेंट्स दोनों मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तब हम क्या करते हैं, दोनों अगर इस तरह के फॉर्म में हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे एक्सपोनेंट से, यानी हमने दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2 का पावर, आप देखिए ये दोनों 4 4 कैंसिल आउट हो गया 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 इज द आंसर। तो इस तरह से हमने ओवरऑल देखा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारा क्या था, 4 बेसिक्स लॉज देखा हमने एक्सपोनेंट्स के, 4 लॉ देखा और उसके साथ साथ हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा कि किस तरह से हम सिंप्लीफाई करने में उसको यूज कर सकते हैं और टू इक्वेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप ये ओवरऑल आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फॉर एनी डाउट एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ।